पूर्व सांसद प्रकाश अंबेडकर इन दिनों छत्तीसगढ़ दौरे पर है। शनिवार को अपने रायपुर प्रवास के दौरान मीडिया से रूबरू हुए। मीडिया से चर्चा कर उन्होंने छत्तीसगढ़ प्रदेश को प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर बताया। साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ में ओबीसी 48%, आदिवासी प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति प्रतिशत की जनसंख्या है, लेकिन 32% आदिवासी को बहुलता होने के बाद भी आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं बनने पर अफसोस जताया। अपने छत्तीसगढ़ दौरे पर उन्होंने सभी संगठनों एवं पार्टियों ने मिलकर एक गठबंधन छत्तीसगढ़ संयुक्त मोर्चा का गठन किया गया, जो कि आगामी विधानसभा चुनाव में सभी 90 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े करेगी। वही सरकार आने पर आदिवासी मुख्यमंत्री बनाए जाने पर जोर दिया। आने वाले चुनाव में छत्तीसगढ़ संयुक्त मोर्चा का गठबंधन हुआ है और इस गठबंधन की के माध्यम से 90 सीटें जो है वो कॉन्टेस्ट की जाएंगी। मेन मुद्दा जो है, अगले चुनाव में हम लोग अगर जीत के आते हैं तो छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री जो है आदिवासी होगा। आदिवासियों की जो ज़मीन गैर छत्तीसगढ़ ने खरीद ली है या कब्जा किया हुआ है, उसको लौटाने की बात हम लोग यहाँ पर शुरुआत करेंगे। और जैसे जैसे इलेक्शन बढ़ता जाएगा, वैसे यहाँ की जो बेरोज़गारी है उसको किस ढंग से ख़त्म किया जा सकता है इलेक्शन पहले, उसका एक प्लान रखा जाएगा। और दूसरी बात, यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ ये संपन्न प्रदेश है लेकिन लोग गरीब है, उसकी वजह यह है कि यहाँ लोकल एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है। इसलिए लोकल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने के लिए किन क्षेत्रों में आगे आना चाहिए और किन क्षेत्रों को सरकार ने सपोर्ट करना चाहिए, ये जो है बढ़ावा देने की बात है। और लोकल लीडरशिप अगर पैदा होती है एंटरप्रेन्योरशिप में, तो मैं समझता हूँ कि राज्य का भी विकास होगा और साथ साथ लोगों का भी विकास होगा। यहाँ की जो गरीबी है उसको दूर करने में मदद होगी, ऐसा हम लोग मानते हैं। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.